गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप को प्राइवेट यानी कि उसको सिक्योरिटी में रख सकते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करते हैं आपके फोन से और वह अपने डिवाइस में उसको लॉगिन कर लेते हैं, तो ऐसे में आपकी सभी फोटो वीडियो सभी डॉक्यूमेंट्स वायरल हो सकते हैं व अदर यूज यानी कि उसको अलग तरीके से यूज किया जाएगा, आपको स्कैम किया जाएगा आपके साथ। तो स्कैम को रोकने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ जिससे आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योरिटी में ला सकते हैं, यानी कि आपका व्हाट्सएप कोई भी ज्यादा हैक नहीं कर सकता, कोई भी स्कैम नहीं कर सकता आपके व्हाट्सएप अकाउंट के साथ। तो गाइस चलिए बिना देरी किए इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी आपको देता हूँ जिससे आप लोगों का हेल्प हो सके और आप कभी भी ऐसे स्कैम में ना फंसे। जैसे काफी लोग क्या करते हैं कि वीडियो कॉल कर देते हैं और आपके साथ स्कैम करते हैं, पैसा मांगते हैं, तो वह स्कैम बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। मैं सोचा कि इस वीडियो के साथ आप सबकी हेल्प की जाए जिससे आप सब भी लोग स्कैम से बच सकें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में आकर अपडेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं अपडेट कर चुका हूँ, ओपन का ऑप्शन आ गया है। व्हाट्सएप बिजनेस मैं यूज करता हूँ इसलिए यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। ये व्हाट्सएप अकाउंट ओपन हो चुका है मेरा, यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल गया है। आपको क्या करना है, यहां पर थ्री पॉइंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है, यहां पर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कभी भी कोई भी आपके साथ कोई स्कैम करेगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा कि आपके पास कोई स्कैम करने का मैसेज आने वाला है, तो ये नोटिफिकेशन देगा। साथ में दूसरे नंबर पर पास की का ऑप्शन है, पास की के ऑप्शन को आपको इनेबल करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट कहीं पर अदर लॉगिन होगा तो पास की मांगा जाएगा, जो आप पास की यहाँ पर अपडेट किए होंगे वही पास की वहां पर मांगा जाएगा। जब तक वह पास की नहीं अपडेट करेगा तब तक वह उसके अकाउंट में आपका ये व्हाट्सएप नहीं चल पाएगा, एक्टिव नहीं हो पाएगा। तीसरा ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस को भी आपको मेंटेन करके रखना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हमेशा चलता है उसको आपको वेरीफाइड करके रखना है। यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर करके रखना है। इससे क्या होगा कि कोई भी अदर पर्सन आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने की कोशिश करेगा बिना आपके फोन लिए, तो ऐसे में आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन आएगा, जब तक आप उसको एस नहीं करेंगे तब तक उसके फोन में आपका व्हाट्सएप अकाउंट नहीं ओपन होगा। साथ में चेंज नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर अलग अलग समय पे आपको दो अकाउंट में आपको यहाँ पर मैनेज करते रहना है जिससे कोई भी पर्सन आपके नंबर को ना समझ सके। रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट के बारे में समझाया गया है, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है। लेकिन गाइस जितना भी मैं यहाँ पर फोर्थ स्टेप तक बताया है, फोर्थ स्टेप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी लोग इससे नहीं करने के बाद फंस जाते हैं उस स्कैम में और उनको बहुत ज्यादा पैसा भी चुकाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब जो इतने सारे स्टेप में बताया उसको फॉलो करें और अपने अकाउंट को बचा सकें इस स्कैम से, जिससे आप सब लोग कभी भी ऐसे स्कैम में ना फंसे जिसमें आपका पैसा लॉस हो। तो गाइस फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई जिसमें, तब तक ले जाए वंदे मातरम।